हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मम्मास फूड कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रसगुल्ले, वो भी चॉकलेट से कोटेड। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और शायद इससे पहले आपने कभी ये खाए नहीं होंगे, और अगर खाए भी होंगे तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आइए बनाते हैं हम। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है, उसे गर्म कर लिया है, और करीब आधा छोटा चम्मच साइट्रिक एसिड जो होता है, जिसे नींबू का सत या टार्ट्री भी बोलते हैं, वो मैंने इसमें मिला दिया है। अब इसे लो फ्लेम पे हमें 1-2 मिनट के लिए और गर्म करना है दूध को, और ये हमारा दूध जो है वो फट जाएगा, इसका ये छेना अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। अब इसे हम छान लेंगे। यहाँ पे मैंने एक साफ़ कपड़ा ले लिया है, उसके नीचे एक बर्तन रख दिया है, और अब उसमें हम ये जो हमारा फटा हुआ दूध है उसको थोड़ा ध्यान से इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है, और इसको हम पानी को अच्छे से छान लेंगे, और ये पानी को हम आटा गूंदने और दाल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, इसे फेंके नहीं। और ये हमारा जो छना हुआ पनीर है उसमें हम मटके का या फिर फ्रिज का थोड़ा ठंडा पानी डाल के इस तरह से अच्छे से इसको एक बार और वॉश कर लेंगे, और इसके पानी को हम हाथ से धीरे धीरे निचोड़ के और पूरा निकाल लेंगे। ये अब थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए हाथ से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से हाथ से मैंने दबा के इसका पानी पूरा निकाल लिया है, और ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा पनीर। इसकी आप अपनी मनचाही कोई भी दूसरी रेसिपी भी बना सकते हैं। आज हम इसके यहाँ रसगुल्ले बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फैला दिया है 1 मिनट के लिए पंखे में, ताकि ये थोड़ा और हैंडल करने लायक हो जाए ठंडा। अब यहाँ हथेली के इस हिस्से से हम ऐसे मसल लेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे पनीर को धीरे धीरे मलते हुए करीब 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही गूंधना है, जिससे एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, और ये जो दाने दाने दिख रहे हैं पनीर के वो बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे इसके, और हमारे रसगुल्ले बनाने के लिए छेना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसे अच्छे से मसला है, अभी बिल्कुल रेडी बस होने ही वाला है हमारा पनीर जो है। ये देखिए ये पनीर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसकी हम मनचाहे आकार की गोलियाँ लेंगे। अब फ्रेंड्स, गोलियाँ आप थोड़ी सी छोटी ही लें, क्योंकि ये फूल के बिल्कुल डबल हो जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े लंबे आकार के बना रही हूँ रसगुल्ले, आप चाहें तो अपने पसंद की गोलियाँ और भी कोई शेप दे सकते हैं। ये देखिए हमारे रेडी हैं। 1 लीटर दूध में करीब 20 रसगुल्ले हमारे बन गए हैं, और ये मैंने यहाँ आधा कप शक्कर ली है, और उसी कप से मैंने 2 कप पानी, मतलब शक्कर का 4 गुना पानी लिया है। आप और भी कोई भी बर्तन ले रहे हो तो 4 गुना पानी डाल लें। और 1 इलायची को मैंने यहाँ पर तोड़ के डाल लिया है, और इसे अच्छे से बस शक्कर हमें मेल्ट करने तक पकाना है, और फिर लो को बिल्कुल कम कर देना है हमने फ्लेम को, ताकि हमारे हाथ पे चाशनी उड़े ना, और सारे रसगुल्ले एक एक करके हम इसमें डाल देंगे, और फिर हमारी फ्लेम जो है हम हाई से मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट के लिए पहले ढक के पकाएंगे रसगुल्ले। अभी मैं आपको बताऊंगी ये चम्मच में कितने छोटे हैं, अभी ये फूल के कितने बड़े हो जाएंगे आप देखिए। अभी 2 मिनट के लिए इसे मैं ढक के पहले पकाऊँगी, फिर इसे हटा के ढक्कन को थोड़ा हल्का सा ध्यान से इसे चला लेंगे हम। देखिए कितने बड़े हो चुके हैं, अभी आपने देखे थे इसी चम्मच में कितने छोटे थे रसगुल्ले। अभी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और ढक के पकाएंगे, और हमारे रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे 5 से 6 मिनट में ही। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया रसगुल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज में ठंडा करके ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम आज इसे थोड़ा सा हटके कुछ बनाएंगे। अब इसे मैंने पंखे की हवा में ठंडा करके करीब 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद अब मैं इसका जो ये सिरप है चाशनी, उसको निचोड़ लूँगी अच्छे से। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना हमें, क्योंकि इसका शेप ख़राब नहीं करना है हमें। अब ये हमारे रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हैं, इसे अब हम चॉकलेट से कोट करेंगे। यहाँ पे मैं 4 तरह की मैंगो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और मिल्क बार वाली चॉकलेट ले रही हूँ। अब इसे हम डबल बॉयलर मेथड से, मतलब एक बर्तन में नीचे पानी गर्म करके और ऊपर कोई भी बर्तन रख के हम इसमें हमारी चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट करेंगे, और फ्रेंड्स बहुत ध्यान से करना है हमें। इसमें अब हम 1 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे, आप बटर भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से बस मिक्स करके हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी दूसरी चॉकलेट्स भी इसी तरह से डबल बॉयलर मेथड से ही मेल्ट करके तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से हमें इसे पकड़ के करना है, क्योंकि इसकी भाप लग सकती है। एक बार इसका पानी गर्म हो जाए उसके बाद आप गैस को ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे भी मेल्ट हो जाती है गर्म पानी से। ये देखिए वाइट चॉकलेट भी हम इसी तरह से मेल्ट करके इसमें भी शुद्ध घी डाल लेंगे, और वाइट चॉकलेट को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी, क्योंकि मैं इसमें कलर मिलाऊंगी, इसलिए मैं इसे आधा आधा 2 अलग अलग कटोरियों में निकाल लूंगी।
और अब मैं आपको इसको एक प्लेट में भी मेल्ट करके बता रही हूँ, ताकि आप अगर कांच का बाउल ना भी हो तो कोई भी स्टील की प्लेट या कटोरे में आप चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन कपड़े से पकड़ के ध्यान से ही करें। आप कोई थोड़ा सा बस बड़ा बर्तन लें, नीचे जो बर्तन है उससे थोड़ा बड़ा बर्तन होना चाहिए जो हम ऊपर रख रहे हैं, और इसमें भी हम शुद्ध घी डाल के और इसे भी रेडी कर लेंगे चॉकलेट को। ये हमारी चॉकलेट भी रेडी है डार्क वाली। अब इसमें जो हमने वाइट चॉकलेट निकाली थी दो अलग अलग कटोरियों में, उसमें मैं लाइट ब्लू कलर डालूंगी एक में, ये थोड़ा कम लग रहा है रंग मुझे, तो मैं इसमें एक दो ड्रॉप और डालूंगी और हमारा स्काई ब्लू कलर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो बिना कलर डाले इसका वाइट चॉकलेट भी बना सकते हैं। और मैं दूसरी कटोरी में पर्पल कलर डाल रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए। इसे आप ऐसे शेडेड भी कोट कर सकते हैं रसगुल्ले को। अभी हमारा पर्पल कलर भी रेडी है, ये देखिए हमारी डार्क चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, मैंगो चॉकलेट, और ये जो दो हमने अलग अलग कलर डाल के रखी थी, हमारे पांचों रंग की और पांचों बढ़िया फ्लेवर्स की चॉकलेट रेडी है। अभी हमने रसगुल्ले आधा घंटे के लिए फ्रिज में और थोड़ा रख दिया था ठंडा होने के लिए, और अब हमारी ये मेल्टेड चॉकलेट जो है हम इसमें बढ़िया कोट करेंगे। एक फोक से हम इसको अच्छे से इसके अंदर डाल के और इसको कोट करके, और ये ध्यान से हम इसे किसी प्लेट पे या फिर आपके पास अगर बटर पेपर हो या फिर पॉलीथीन पे भी रख सकते हैं, जिससे ये आसानी से निकल जाए ठंडी होने पर। ये देखिए इतनी बढ़िया लग रही है। इसी तरह से हम हमारी मैंगो चॉकलेट को भी कोट कर लेंगे रसगुल्ले में। फ्रेंड्स इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये मैंने अभी तक के ये रसगुल्ले कभी इस तरह से नहीं खाए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ नया ट्राई करूं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मतलब देख के ही मन करता है कि ये कितनी मतलब टेस्टी होगी, और खाने में तो सच में बहुत टेस्टी है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारी चॉकलेट्स एक एक करके अच्छे से डिप कर ली है। ये हमारी डार्क चॉकलेट भी, अब इन सभी चॉकलेट्स को हम अच्छे से कोट करके और फ्रिज में सिर्फ आधा घंटे के लिए रखेंगे और ये एकदम बढ़िया सेट हो जाएगी। ये मैंने एक मल्टी कलर का भी रसगुल्ला रेडी किया था सारे कलर थोड़े थोड़े डाल के, अब इसे आधा घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे और बिल्कुल रेडी हमारे टेस्टी टेस्टी चॉकलेट से कोटेड रसगुल्ले। देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। अभी मैं इसको कट करके बताऊंगी, आप इसे कट करके भी सर्व कर सकते हैं या ऐसे अकेले भी सर्व कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो कुल्फी की स्टिक में भी डाल के और ऐसे कोट कर सकते हैं, तो ये कुल्फी चॉकोबार जैसा लगेगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही यम्मी यम्मी और इजी रेसिपी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें, और फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।